झारखंड के गुमला में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल झारखंड जगुआर बम निरोधक दस्ता ने कुरुमगढ़ थाना से कुछ ही दूरी पर आईईडी बम बरामद कर उसे नष्ट किया। आपको बता दें कि हाल ही में आईईडी बम की चपेट में एक जवान और ग्रामीण भी आ चुके हैं। फिलहाल स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, कुछ समय पहले ही वहां पर आईईडी बम ब्लास्ट हुआ था जहां पर कई जवान घायल हुए थे। अभी भी बताया जा रहा है कि वहां पे आईईडी बम बरामद किया गया है। इसमें संयुक्त रूप से जो कार्य चल रहा है, इसमें क्या कुछ है नक्सलियों के द्वारा जो भी किया जा रहा है वहां पर, और कितने आईईडी बम मिलने की संभावना है? जी बिल्कुल, बता दो कि नक्सली के द्वारा लगाए गए आईईडी बम लगाया गया है और पुलिस और सीआरपीएफ का जो है संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान एक फिर आईडी बम बरामद हुआ है, जिसमें कि कुरुमगढ़ जंगल से बम बरामद किया गया है। वहीं लगातार पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सली के विरुद्ध में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और नक्सली जो है अपनी सुरक्षा को लेकर के आसपास जो सेफ जोन है, जो जंगल है, वो सेफ जोन अपने आप को मानते हैं और वो आसपास के सुरक्षा को घेरा बनाए हुए हैं और काफी मात्रा में आईडी को लगा करके रखे हुए हैं, जिसमें कि पुलिस की एक्टिविटी गतिविधि को तुरंत उनको सूचना मिलेगा। जी जी अजीत, यहाँ ये मतलब पहली बार नहीं है, पहले भी कई ऐसे आईईडी बम बरामद किए गए हैं, उन्हें नष्ट भी किया गया है। इसी प्रक्रिया में कई बार वहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुए हैं जिसमें ग्रामीण और कई जवान भी उसमें शामिल हो गए, कई जवान वहाँ पर शहीद हो गए। इसमें मतलब सीआरपीएफ और बाकी जो जैगुआर जो दस्ता है उसमें उनका क्या कुछ कर रहे हैं वो लोग, और मतलब कि ताकि कम से कम वहां के लोग घायल हो सके या फिर नक्सलियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, इसमें और क्या कुछ उनकी प्लानिंग है इसको लेकर? बता दूं कि नक्सलियों के विरुद्ध जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस अभी जो फिलहाल आईडी बम जो मिले थे, इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमे पुलिस को बड़ा क्षति पहुंचाने के ख्याल से वो आईडी बम लगाया गया था और जगह जगह नक्सली आईडी बम लगाया गया है, जिससे कि जो हो सकता था सर्च ऑपरेशन में पुलिस जब भी निकल रही है तो हो सकता था पुलिस को बड़ी उनके साथ घटना घट सकती थी। वही अगर हम दो सप्ताह पहले की अगर हम बात करें तो सर्च ऑपरेशन में एक सीआरपीएफ का जवान भी उसमें घायल हुआ था और उसके ठीक दो दिन बाद जो है सो एक पशु चरवाहा जो है सो वो आईडी बम के चपेट में आ गया था। इस पूरे ऑपरेशन में जिला के एसपी ने ये ऐलान जारी किया है कि उन्होंने कहा है कि जैसे नक्सली अपनी गतिविधि को रोके, यानी तो सरेंडर करे, नहीं तो फिर गोली खाने के लिए तैयार रहे। जी मैं जी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया अजीत। तो आपको बता दें कि फिलहाल स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है जहां पर उन्हें आईईडी बम मिला और उन्होंने उस आईईडी बम को नष्ट कर दिया है।